आज के ब्लॉग में हम लोग दिखाने वाले आपको ट्रेन जर्नी फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल टू पटना जंक्शन। और हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं हम सफर एक्सप्रेस में, यानी कि मधुपुर हम सफर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12236। ये देखिए अपनी ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे सामने में, हम सफर एक्सप्रेस। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं AC 3 टायर में। 5:20 में ये डिपार्ट कर जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरा हम लोग लुक दिखाएंगे, ट्रेन जर्नी दिखाएंगे पटना जंक्शन तक का। एज ऑफ नाउ हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार। और ये देखिए पूरा यहाँ पे टेंट जैसा लग गया, क्योंकि छठ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टेशन पे देखिए हो चुका है पूरा। ये आनंद विहार टर्मिनल। दोस्तों हम लोग तो निकल चुके हैं अपने घर के लिए, क्योंकि आ रहा है हमारा महापर्व छठ पूजा और साथ में दिवाली भी। तो आप लोग कब निकल रहे हैं अपने घर के लिए? क्योंकि हमारा बिहार, हमारा घर हम लोग को बुला रहा है। तो हम लोग तो निकल चुके हैं, उम्मीद है आप लोग भी अपने घर जा रहे होंगे। चलिए आज का जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग की ट्रेन इसके साथ आ चुकी है, हम लोग की ट्रेन मधुपुर हम सफर एक्सप्रेस पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। देखिए दोस्तों हम लोग का कोच है आज B7 और हम लोग 3rd AC में आज ट्रैवल करने वाले हैं। ये रहा अपना कोच। चलिए अब वो ट्रेन के अंदर से दिखाते हैं। हम लोग का बर्थ है 1 और 3 और ये कुछ हम सफर वेलकम्स यू ऑन बोर्ड। बाकी इधर में ग्लास वॉशरूम्स इधर है और ये कुछ लोग का। दोस्तों इसी के साथ हम लोग की ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है 5:20, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे डिपार्ट किया आनंद विहार से प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। और मेरे ख्याल से सामने जो आपको ट्रेन दिख रही है वो है तेजस राजधानी एक्सप्रेस, ये भी शायद पटना जा रही होगी। और इसी के साथ आनंद विहार टर्मिनल को छोड़ते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं। ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है आनंद विहार से और हम लोग को लग जाती भूख, तो हम लोग खा लेते हैं रोटी सब्जी। तो इस साथ हम लोग कानपुर सेंट्रल लेके पहुंच चुके हैं और लगभग 10-15 मिनट लेट पहुंची है ट्रेन। और यहाँ पे लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है। और अभी तो फिर इसके बाद कानपुर सेंट्रल के बाद सीधा उतरेगी प्रयागराज, प्रयागराज के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उसके बाद बक्सर, बक्सर के होते हुए आड़ा और फिर पटना हम लोग लास्ट पहुँच जाएंगे। तो अभी 5 मिनट का हॉल्ट है, फिर खुलेगा गाड़ी। तो ये लुक देखिए बाहर का, खुल चुकी है कानपुर सेंट्रल से अपनी हम सफ़र एक्सप्रेस। और देखिए लुक 10:40 में खुल गई, लगभग 25 मिनट लेट, तो लगता है रात भर में कवर कर लेगी और हम लोग को पटना में पहुंचाएगी ये सुबह 5:35 पे। दोस्तों फिलहाल तो कानपुर सेंट्रल से खुल चुकी है हम लोग की ट्रेन और अब सीधा प्रयागराज जंक्शन उतरेगी और लगभग 12:30 के करीब वो पहुँचा देगी प्रयागराज। तो हम लोग अब सुबह का आपको लुक दिखाएंगे, क्योंकि अब तो जा रहे सोने और फिर आपको मिलते हैं पटना से पहले, आपको कुछ कुछ लेकर दिखाएंगे सुबह का। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय। मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग तो ऐसे सुबह से उठे हुए हैं पर ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाए, आड़ा जंक्शन के बाद हल्का फुल्का फिर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको मधुपुर हम सफ़र एक्सप्रेस की ट्रेन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। इस ट्रेन की रूट है आनंद विहार टर्मिनल से ये डिपार्ट करती है, फिर कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आड़ा जंक्शन, पटना जंक्शन, मोकामा जंक्शन, क्यूल जंक्शन, झाझा, उसके बाद जेसीडी जंक्शन, उसके बाद लास्ट में पहुँच जाती है मधुपुर जंक्शन। ये है इसकी ट्रेन रूट। दोस्तों आड़ा जंक्शन से हम लोग की ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है और लगभग 2 घंटा लेट है आड़ा जंक्शन। ये ट्रेन टोटल कवर करती है 1137 किलोमीटर यानी मधुपुर तक, पर हम लोग तो पटना तक करेंगे 987 किलोमीटर का टोटल ट्रेन जर्नी। दोस्तों अभी हम लोग पार कर बेटा और इसके जस्ट बाद पटना आने वाला है।
लगभग हम लोग 1.5 घंटा लेट हैं। टाइम देखिए 6:45 हो रहा है और 5:35 में ही पटना पहुँच निकल रहा है। अभी बेटा क्रॉस कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग पटना पहुंचने वाले 10-15 मिनट और लगेगा अभी टाइम, और लगभग हम लोग 2 घंटा डिले चल रहे हैं। हम सफ़र एक्सप्रेस पता नहीं इतना लेट क्यों चल रहा है, नॉर्मल तो लेट होता नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं। और ये देखिए सामने स्टेशन आ रहा है नेवड़ा, ये नेवड़ा हॉल्ट है। यहाँ पे भी रुक दी गई है गाइस, ये इतना रोका है मतलब मत पूछिए। कानपुर से ही आपको दिखाई दे तो 20 मिनट लेट चल रहा था और रात में और भी डिले हो चुका है, पर चलिए कोई बात नहीं, घर तो अभी आना ही है। गाड़ी थी विभूति एक्सप्रेस और नेवरा क्रॉस करेंगे, इसके बाद दानापुर आएगा और दानापुर के बाद सीधा अपना डेस्टिनेशन पटना। पहुँच चुके हैं और हम लोग वैसे दानापुर ही उतरना था पर पटना से उतरेंगे दानापुर। हम लोग घर यहीं से पास पड़ता है पर हम लोग पटना से उतरेंगे क्योंकि मम्मी पापा वहीं पे वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग दानापुर डिपार्ट कर चुके हैं। हम लोग पटना स्टेशन पहुंच चुके हैं और लगभग 2 घंटा 10 मिनट लेट हुए, पर कोई बात नहीं, देखिए हम सफ़र को हम लोग काटा बाय बाय बोल के अब सीधा निकलेंगे पटना स्टेशन से बाहर। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। तो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन पटना स्टेशन, यानी कि हम लोग का घर। दिल्ली से पटना का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा देखिए पटना स्टेशन का, और ये अपने महावीर मंदिर। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम। हम लोग गाड़ी भी आ चुका है, देखिए पापा मम्मी आ गए लेने हम लोग को। वाह, चलिए दोस्तों सामान रखा जाए और ब्लॉग को एंड किया जाए। दोस्तों सामान एडजस्ट हो चुका है, गाड़ी में हम लोग अब बैठ रहे हैं और अब चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, ट्रेन जर्नी फ्रॉम आनंद विहार टर्मिनल टू पटना स्टेशन। तो आपको मेरी पूरा ट्रेन जर्नी दिखाना हम सफ़र एक्सप्रेस का, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। चलिए।